क्या यूपी की पीलीभीत से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी मेनका गांधी? क्या 2019 चुनाव में बदलेगी मेनका और वरुण गांधी की सीट? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो इस बार यूपी के करीब 2 दर्जन मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। इसके अलावा कई सांसदों की टिकट बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में सांसदों की फेरिस्त में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और 7 बार सांसद रही मेनका गांधी को हरियाणा की करनाल सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मेनका अपनी पारंपरिक पीलीभीत सीट छोड़ सकती हैं। मेनका गांधी को करनाल से उम्मीदवार बनाने का फैसला अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के पाले में है। वहीं अगर मेनका करनाल से उम्मीदवार बनती हैं, तो उनके बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि हरियाणा के सीएम और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर मेनका गांधी को करनाल से उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हैं। मनोहर लाल खट्टर का इस पर आधिकारिक बयान आना भी बाकी है। मेनका गांधी पहले ही ये कह चुकी हैं कि वो हरियाणा के लिए बाहरी नहीं हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य आज भी वहां रहते हैं। दरअसल मेनका के करनाल में पारिवारिक संबंध है। मेनका के दादा सरदार दत्तर सिंह भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद करनाल आकर ही बसे थे। दत्तर सिंह को भारत में पहले डेयरी फार्म आंदोलन का जनक भी माना जाता है। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मेनका गांधी के दादा की वहां संपत्ति है, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने उन्हें बॉर्डर पार करने पर दी थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मेनका गांधी करनाल के लिए नई नहीं है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य आज भी वहां रहते हैं। वहीं बीजेपी भी करनाल के सांसद अश्विनी मिन्ना का विकल्प खोज रही है। अश्विनी मिन्ना पंजाब केसरी ग्रुप के मालिक हैं, लेकिन हाल ही में उनके अखबार में प्रियंका गांधी की तारीफ में छपे आर्टिकल से बीजेपी खुश नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसका औपचारिक ऐलान कब तक करती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।